हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सब ने बहुत से भूत प्रेत, चुड़ैल, डाकिनी और जिन जैसी रूहों की कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप सबको ब्रह्म राक्षस के बारे में बताऊंगी कि वो कैसा होता है, वो क्या कर सकता है और उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, क्या वो अच्छा होता है या फिर बुरा। अगर आपने वो खौफनाक रात और लाल पगड़ी वाला आदमी की वीडियो सीरीज सुनी होगी तो आपको पता ही होगा कि एक अच्छा ब्रह्म राक्षस कैसा होता है, लेकिन एक बुरा ब्रह्म राक्षस क्या कर सकता है, शायद ही उसके बारे में आपको पता होगा। जिन लोगों को ब्रह्म राक्षस के बारे में सही सही जानकारी नहीं होती, वो लोग उसे ब्रह्म पिशाच कहते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ब्रह्म पिशाच जैसा कुछ भी नहीं होता। भारत में बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें मरने के बाद आत्माओं का जिक्र किया गया है। उनमें बताया गया है कि मरने के बाद आत्मा भूत, प्रेत या चुड़ैल की योनि में जाती है। इनके अलावा भी बहुत सी भूत की योनियां हैं जिनका जिक्र उन ग्रंथों में किया गया है, लेकिन पिशाच योनि के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। ब्रह्म राक्षस के बारे में जानने के लिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी में। ये कहानी है आज से बहुत साल पहले लालपुर गांव में रहने वाले बद्री और उसके परिवार की। निशा जब खेत गई तो उसने देखा कि उसका पति प्रकाश खेत के बीचों बीच लगा बरगद का पेड़ काट रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो? प्रकाश की पत्नी निशा ने उसे टोका। तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं पेड़ काट रहा हूँ। पेड़ काटते हुए प्रकाश ने उसे जवाब दिया। दिखाई दे रहा है, तभी तो पूछ रही हूँ कि तुम ये पेड़ क्यों काट रहे हो? अगर ससुर जी जिंदा होते तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देते, निशा बोली। मैं ये बात जानता था, तभी तो उनके मरने के बाद ही मैं ये पेड़ काट रहा हूँ, प्रकाश ने फिर से उसे जवाब दिया। प्रकाश अपने खेत के बीचों बीच लगे एक पुराना बरगद का बड़ा सा पेड़ काट रहा था। वो हमेशा से ही उस पेड़ को काटना चाहता था, लेकिन अपने पिता बद्री के कारण वो वैसा नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों पहले उनकी मौत हो गई, जिस वजह से उसे रोकने वाला अब कोई नहीं था। उसकी माँ शकुंतला भी उसे वो पेड़ काटने से नहीं रोक रही थी। वो बरगद का पेड़ खेत में बीच में था तो साथ ही साथ वो बहुत बड़ा भी था, जिस वजह से खेत का बहुत बड़ा हिस्सा उसकी छांव में रहता था, जो फसल उगने में बाधा बनता था, जिस वजह से प्रकाश उसे बहुत पहले ही काट देना चाहता था, लेकिन हर बार उसके पिता उसे वो पेड़ नहीं काटने देते थे। हर बार उसे पेड़ काटने से रोकते हुए कहते थे, इस पेड़ में कुछ ऐसा है जो अगर नाराज़ हो गया तो वो हमारा घर बर्बाद कर देगा। लेकिन जब भी प्रकाश उनसे उसके बारे में पूछता तो वो उससे कुछ भी नहीं बताते थे। पेड़ का तना बहुत मोटा था, जिस वजह से प्रकाश अकेले ही उसे कुल्हाड़ी से काट रहा था, जिस वजह से उसे वो पेड़ काटने में 2 दिनों का समय लग गया। ऐसा नहीं था कि उसने पेड़ काटने में किसी की मदद नहीं मांगी थी। उसने पेड़ काटने के लिए मजदूर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी बरगद का पेड़ काटने को तैयार नहीं होता था। प्रकाश जिस किसी के पास भी जाता तो उससे वो ये कहकर मना कर देता कि वो बरगद का पेड़ काटने का पाप नहीं करेगा। बरगद का पेड़ कट जाने के बाद प्रकाश और उसकी माँ बहुत खुश थे, लेकिन निशा को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो बरगद का पेड़ कभी भी कटे। निशा अपने ससुर को अपने पिता समान मानती थी और वो उनकी कोई भी बात नहीं टालती थी। निशा बरगद का पेड़ कट जाने से दुखी इसलिए भी थी क्योंकि वो उसकी पूजा किया करती थी। पेड़ काटने के बाद प्रकाश की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उसे बहुत तेज़ बुखार आ गया था। उसे गांव के डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। निशा बरगद के पेड़ को काटने को उसके बुखार का कारण बता रही थी, लेकिन प्रकाश उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। यहाँ तक कि उसकी सास शकुंतला भी उसकी ये बात नहीं मान रही थी। निशा बार बार प्रकाश को तांत्रिक के पास जाने को कह रही थी, लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। सिर्फ 2 दिनों में ही प्रकाश इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। निशा की सास शकुंतला
प्रकाश को शहर के अस्पताल में ले जाने की तैयारी करने लगी। शकुंतला अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन निशा कुछ और ही कर रही थी। निशा गांव के मंदिर गई, वहां से देवी को चढ़ाया हुआ जल लोटे में भरकर ले आई। वो भगवती का मंदिर था। निशा बिना अपनी सास और प्रकाश को बताए उसी पानी को उसके चारों तरफ घुमाकर घर के बाहर फेंक आई। वो पानी फेंक कर वापस प्रकाश के पास पहुंच पाती उससे पहले ही वो उठकर बैठ गया था। निशा के पानी उतारने से पहले प्रकाश की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी कि उठकर बैठना तो दूर की बात है, वो बोल भी नहीं पा रहा था। निशा ने जब प्रकाश को बैठा हुआ देखा तो हाथ जोड़कर भगवती देवी और अपने ससुर बद्री का धन्यवाद करने लगी। भगवती का आभार व्यक्त करना प्रकाश के समझ में तो आ रहा था, लेकिन निशा उसके पिता का भी आभार व्यक्त क्यों कर रही है ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तभी वहाँ शकुंतला आ गई और उसने सब कुछ देख और सुन लिया। उसने देखा कि जो प्रकाश कुछ देर पहले बोलने में असमर्थ था वो अब बड़े आराम से बैठा हुआ है। प्रकाश को पहले से ठीक देखकर वो बहुत खुश हुई और उसने सुना कि प्रकाश के ठीक होने पर वो भगवती और उसके पति को धन्यवाद कर रही है। उसकी भी समझ में नहीं आया कि वो उसे क्यों धन्यवाद कर रही है जो मर चुका है। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगी तो उसने निशा से पूछा कि तू ये क्या बोल रही है? बहू, तो प्रकाश के ठीक होने पर माँ भगवती का आभार मान रही है वो तो सही है, लेकिन तू मरे हुए आदमी को भी धन्यवाद कर रही है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। माँ जी, आज रात मेरे सपने में बाबूजी आए थे और उन्होंने ही मुझे बताया कि प्रकाश की तबीयत क्यों ख़राब है और उन्हें ठीक करने के लिए उन्होंने मुझसे जो जो और जैसा जैसा करने को कहा था मैंने वो सब वैसा ही किया और देखो आप ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं, निशा ने कहा। अपने पति के बारे में सुनकर शकुंतला निशा पर गुस्सा करने लगी और बोली, तो ये क्या बकवास कर रही है बहू? जो आदमी जीते जी अपने बेटे से ज़्यादा अपने खेत से प्यार करता रहा वो मरने के बाद भला उसकी चिंता क्यों करने लगा? माँ जी, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। बाबूजी ने तो मुझसे ये भी कहा था कि अगर घर में शांति चाहते हो तो जल्द से जल्द खेत में एक चबूतरा बनवा देना, नहीं तो बरगद के पेड़ में निवास करने वाले देवता और भूत प्रेत बहुत परेशान करेंगे। और हाँ माँ जी, बाबूजी बरगद का पेड़ काटने की वजह से इनसे बहुत नाराज़ भी हैं। अपने पति का नाम सुनकर शकुंतला पहले से ही निशा से नाराज़ हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ और चबूतरे वाली बात बोली प्रकाश भी उस पर गुस्सा करने लगा। भले ही प्रकाश और शकुंतला निशा पर गुस्सा हो रहे थे, लेकिन वो अपने पति के ठीक हो जाने पर बहुत खुश थी। शकुंतला और प्रकाश निशा पर गुस्सा इसीलिए हो रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि बद्री के कारण वो लोग उस खेत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, क्योंकि जीते जी उन्होंने खेत के बीचों बीच लगा बरगद का पेड़ नहीं काटा था और अब मरने के बाद भी वो उसी पेड़ की बात कर रहे हैं। उन दोनों में से कोई भी ये बात मानने को तैयार भी नहीं था कि उसमें देवता रहते हैं। क्या सिर्फ बात इतनी ही थी? क्या वो दोनों बरगद के पेड़ में देवता होने की बात मानने को तैयार नहीं थे, या फिर ये बात जानते हुए भी वो दोनों निशा के सामने सच्चाई छुपाने का नाटक कर रहे थे, जबकि बद्री ने निशा को बरगद के पेड़ में देवता होने की बात बताई थी और मरने से पहले उसे ये भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए बरगद के पेड़ को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे। अगर ऐसा हुआ तो फिर इस घर पर फिर से वही सब होगा जो पहले हुआ था। निशा ने बद्री से पूछने की बहुत कोशिश की कि पहले क्या हुआ था, लेकिन उसने उसे उस बारे में कुछ भी नहीं बताया। बताने से पहले ही वो दुनिया से चला गया था। उस दिन के बाद बहुत ही जल्द प्रकाश पूरी तरह स्वस्थ हो गया और खेत जाने लगा। निशा भी घर के काम करने के बाद खेत चली जाती थी। जब वो दोनों खेत में काम करते थे तब शकुंतला घर में ही रहती थी। अगर उसका मन हुआ तो ही वो खेत जाती थी, नहीं तो वो उसे खेत से कोई मतलब नहीं था। एक दिन घर का सारा काम करने के बाद जब निशा खेत गई, वहाँ जाकर उसने देखा प्रकाश उसी बरगद के पेड़ की टहनियाँ काट रहा है जिसे उसने कुछ दिनों पहले ही काटा था। प्रकाश जल्द से जल्द उस पेड़ की टहनियों को खेत से हटा देना चाहता था। वो बहुत दिनों से उस काम में लगा हुआ था। निशा भी उसके उस काम में मदद करती थी। उस दिन भी वो वही करने गई थी, लेकिन उस दिन उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। उससे पहले उसने वैसा कुछ भी नहीं देखा था। उसने देखा कि प्रकाश के आसपास बहुत से लोग खड़े हैं
जो बहुत गुस्से में है और उसे भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन प्रकाश उन्हें नज़रअंदाज करके अपना काम कर रहा था। निशा को ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग उसे दिखाई ही नहीं दे रहे। इतने सारे लोगों को प्रकाश के पास देखकर निशा बहुत ज़्यादा डर गई। वो उससे थोड़ी दूर थी, इसीलिए वो जल्दी से भागकर उसके पास गई। दूर से वो लोग निशा को साफ साफ नहीं दिख रहे थे। पास जाकर उसने उन्हें देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि वो उन्हें पास से देखकर समझ गई कि वो सब जिंदा इंसान नहीं बल्कि आत्माएं हैं। निशा ने उनके बारे में प्रकाश को बताया, लेकिन उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ क्योंकि उसे उनमें से कोई भी नहीं दिख रहा था, जबकि निशा को उनकी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। वो सब प्रकाश से अपना घर वापस मांग रहे थे, क्योंकि वो बरगद का पेड़ उन आत्माओं का घर था। प्रकाश को आत्माएं दिखाई ही नहीं दे रही थी, या फिर वो उन्हें नज़रअंदाज कर रहा था। ये बात निशा के समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। निशा ने प्रकाश को बहुत समझाया, लेकिन वो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। निशा उन आत्माओं को देखकर बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो पहले ही बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसका डर तब और बढ़ गया जब उसने देखा कि एक आत्मा प्रकाश के शरीर में प्रवेश कर गई। उसके तुरंत बाद प्रकाश की आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से करने लगा था और निशा को वहाँ से चले जाने को कहा, लेकिन निशा उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी। निशा के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे अपने ससुर बद्री की बात याद आई, जो उसके सपने में आकर कह रहे थे, और वो तुरंत भगवती के मंदिर गई जो उसके खेत के करीब ही था। वहाँ से वो एक लोटे में जल लेकर आई और उसे प्रकाश के ऊपर छिड़क दिया, जिसके बाद वो आत्मा उसका शरीर छोड़कर बाहर निकल गई और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसके बाद निशा ने वो जल अपने पूरे खेत में भी छिड़क दिया, जिसके बाद वो सभी आत्माएं वहाँ से भाग गई। कुछ देर बाद प्रकाश को होश आया तो निशा ने उसे सब कुछ बताया, लेकिन वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। अभी अभी उसके साथ क्या हुआ वो भी उसे याद नहीं था। वो बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था, इसीलिए उसने घर जाने का फैसला किया। उस दिन के बाद से प्रकाश अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। वो बात बात पर गुस्सा हो जाता था और उसे खाना भी पसंद नहीं आता था। निशा उसकी मनपसंद का खाना बनाकर उसे देती थी, लेकिन वो फिर भी खाने में नखरे करता था। वो सिर्फ उससे रोटी खाने को मांगता था। प्रकाश के अंदर का ये बदलाव निशा समझ रही थी, लेकिन उसकी सास शकुंतला समझने को तैयार ही नहीं थी, या फिर न समझने का नाटक कर रही थी। जब भी निशा उससे प्रकाश के बदले व्यवहार के बारे में बात करती थी, वो हर बार उसकी ये बात कहकर टाल देती कि वो पहले जैसा ही है। निशा ने जब भी प्रकाश के बदले व्यवहार के बारे में बताया, उसने उसकी बात पर यकीन करने की बजाय उल्टा उसे ही भला बुरा सुनाया। भले ही निशा की बात पर शकुंतला को भरोसा नहीं था, लेकिन वो तो जानती थी, इसीलिए वो हर दिन भगवती माता के मंदिर जाकर वहाँ जल चढ़ाती और वही चढ़ा हुआ जल लाकर प्रकाश के ऊपर छिड़कती, जिससे वो कुछ देर के लिए ठीक हो जाता और फिर वैसा का वैसा हो जाता। निशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि शकुंतला को उसकी बात पर भरोसा ही नहीं था और वो बिना उसकी मदद के कुछ भी नहीं कर सकती थी। निशा प्रकाश को किसी तांत्रिक के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन शकुंतला उसे ऐसा नहीं करने दे रही थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। निशा मंदिर से जल लाकर प्रकाश के ऊपर छिड़क रही थी और वह ठीक रह रहा था, लेकिन कब प्रकाश पर उस जल का असर होना कम हो गया निशा को पता ही नहीं चला। एक रात निशा प्रकाश को खाना खिलाकर सो गई। वो समझ रही थी कि प्रकाश बिल्कुल ठीक है, इसीलिए उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रकाश भी उसी के बगल में सो रहा था। रात में लगभग 1 बजे निशा की नींद खुली तो उसने देखा कि प्रकाश वहाँ पर नहीं है। निशा ने सोचा शायद वो पेशाब करने गया होगा और वो उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन आधा घंटा बीत जाने पर भी जब वो वापस नहीं आया तो उसे उसकी चिंता होने लगी। वो उसे ढूंढने रूम के बाहर निकली। उन दिनों गांव में टॉयलेट नहीं होते थे, इसीलिए सब लोग पेशाब करने के लिए घर के पिछले हिस्से में जाया करते थे। निशा के घर में भी ऐसा ही होता था। ये सोच करके प्रकाश घर के पिछले हिस्से में गया होगा, निशा भी वहाँ चली गई
उस रात चांद आधा था, जिसकी हल्की रोशनी चारों तरफ थी। निशा उसी रोशनी में प्रकाश को ढूंढने लगी, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं दिखा। निशा को प्रकाश की चिंता होने लगी। उसे शक हुआ कि कहीं वो कुएं में तो नहीं गिर गया, क्योंकि वहाँ पर एक कुआं भी था। निशा कुएं में झाँक कर देखने ही वाली थी, तभी उसे हड्डी चबाने की आवाज़ आई। निशा ने फिर से आसपास देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। जब वो आसपास देख रही थी, तब उसे लगातार हड्डी चबाने की आवाज़ आती रही। निशा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। निशा को ये समझ में तो आ गया था कि वो हड्डी चबाने की आवाज़ थी, लेकिन ये कौन खा रहा है ये वो नहीं समझ पा रही थी। वो सोच रही थी शायद कोई बिल्ली है जो हड्डी चबा रही है। चारों तरफ देख लेने के बाद भी जब उसे हड्डी चबाने वाली बिल्ली नहीं दिखी, तो वो ध्यान से सुनने लगी कि हड्डी चबाने की आवाज़ किस तरफ से आ रही है। हड्डी चबाने की वो आवाज़ खपरेल से आ रही थी। खपरेल मतलब गांव में जो कच्चे मकान बने होते हैं उनमें खपरेल छाए जाते हैं। निशा को समझ आ गया कि वो आवाज़ छत से आ रही है। उसने बिल्ली को वहाँ से भगाने के लिए पत्थर उठाकर मारा। जैसे उसने खपरेल में पत्थर मारा, वैसे ही उसे अपने पीछे किसी के कूदने की आवाज़ आई। अचानक वो आवाज़ सुनकर निशा बहुत ज़्यादा डर गई। वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। तभी उसे आवाज़ आई, तू यहाँ इतनी रात में क्या कर रही है? निशा को वो आवाज़ जानी पहचानी लगी, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे अपने पीछे प्रकाश खड़ा दिखा। प्रकाश को अपने पीछे देखकर निशा उससे बोली, आप यहाँ कब आ गए जी? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। भले ही वहाँ पर चांद की रोशनी थी, लेकिन निशा साफ साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे इतना पता था कि वह प्रकाश ही है। निशा को ऐसा लगा जैसे प्रकाश के मुंह पर कुछ लगा है, और उसने उसे पोछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। निशा का हाथ प्रकाश के मुंह तक पहुंच पाता, उससे पहले ही प्रकाश ने अपना मुंह अपनी शर्ट से पोछ लिया। मैं तो यहाँ पेशाब करने आया था, प्रकाश बोला, लेकिन निशा कुछ और पूछ पाती उससे पहले ही प्रकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घर के अंदर ले आया। वो तब भी प्रकाश से उसके आधे घंटे तक गायब रहने और फिर अचानक आने के बारे में पूछना चाहती थी और उस बिल्ली के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उस रात वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगा था और बदला बदला भी लग रहा था। उसने उसे कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दिया था। भले ही उस रात प्रकाश बदला बदला लग रहा था, लेकिन प्रकाश का वो बदलाव निशा को बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि वो बदलाव प्रकाश में बहुत दिनों बाद आया था। प्रकाश उस रात निशा को प्यार कर रहा था, वो उसके साथ उस दिन समय बिता रहा था। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, प्रकाश इस बात का ध्यान रख रहा था किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आने शुरू हो गए। वो एकदम पागल हो गया। उसे इस बात की परवाह ही नहीं थी कि निशा को कैसा महसूस हो रहा है। निशा उसे मना करती रही, लेकिन उसने उसकी एक भी बात नहीं मानी। निशा वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसने वैसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो वैसा करती तो हो सकता था कि उसकी सास को उसके बारे में पता चल जाता, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी सास को उस बारे में कुछ भी पता चले। नहीं तो वो उसे ही गलत ठहराती और उसे ही बड़ा बुरा कहती। जैसे तैसे प्रकाश शांत हुआ और सो गया, लेकिन उस रात निशा को नींद नहीं आई। वो पूरी रात रोती रही, क्योंकि उस रात प्रकाश ने उसके साथ जानवर जैसा सुलूक किया था। रात भर जागते रहने के कारण निशा को सुबह नींद आ गई। जैसे ही निशा को नींद आई, उसे एक सपना आया जिसमें उसके ससुर से खेत में चबूतरा बनाने के बारे में कुछ कह रहे थे। वो अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही निशा को अपनी सास शकुंतला की आवाज़ सुनाई दी। सुबह हो गई है और ये महारानी अभी भी सो रही है। उसकी आवाज़ सुनकर निशा जल्दी से उठकर बैठ गई। निशा ने बाहर देखा तो सुबह हो गई थी। निशा उस दिन से पहले कभी इतनी देर तक नहीं सोई थी। उठते ही उसने सबसे पहले अपना बिस्तर सही किया, फिर कमरे से बाहर जाने लगी तो उसने देखा कि प्रकाश की टी शर्ट ज़मीन पर पड़ी है। वहाँ वही शर्ट थी जो उसने रात में पहनी हुई थी। वो शर्ट बहुत ज़्यादा गंदी दिखाई दे रही थी, तो निशा उसे धोने के लिए ले जाने लगी। निशा ने जब वो शर्ट उठाया तो उसे उसमें बहुत ही गंदी बदबू आई। वो बदबू सड़े हुए खून जैसी लग रही थी।
निशा को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि शर्ट से सड़े खून की बदबू कैसे आ सकती है। जब उसने शर्ट को ध्यान से देखा तो वो सब समझ गई कि शर्ट से सड़े खून की बदबू कैसे आ रही है, क्योंकि शर्ट की बाह में खून लगा हुआ है। खून देखकर पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि प्रकाश की शर्ट में खून कहाँ से आया होगा, लेकिन जब उसे याद आया कि रात में प्रकाश के मुंह में कुछ लगा हुआ था और उसने उसी शर्ट से साफ किया था, तब वो समझ गई कि शर्ट में खून कहाँ से आया। उसी के साथ साथ वो ये भी समझ गई कि रात में प्रकाश के मुंह से वो किस चीज़ की बदबू थी। निशा प्रकाश की शर्ट में खून और मुंह से बदबू वाली बात समझकर रोने लगी। उसे बहुत ज़्यादा डर भी लगने लगा। उसे शक हो गया था कि प्रकाश के ऊपर किसी तरह का साया है और वो साया कहीं और का नहीं बल्कि उसी के खेत का है। निशा ने यह बात अपनी सास को बताई। उसे डर तो लग रहा था कि उसकी सास उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उसने उसे बताया क्योंकि एक वही थी जो प्रकाश की मदद कर सकती थी। वो अपने सपने के बारे में भी उससे बता देना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं बताया क्योंकि उसे वो सपना अच्छी तरह से याद नहीं था। निशा की बात सुनकर शकुंतला ने भी कहा, कुछ दिनों से मैं भी प्रकाश को बदला बदला देख रही हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हुआ है। तुम्हारी बातें सुनने के बाद अब मुझे यकीन हो गया है कि वो किसी आत्मा के वश में है। वो दोनों प्रकाश के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि वो उस समय कहाँ पर है। निशा की बातें सुनने के बाद शकुंतला प्रकाश की झाड़ फूँक करवाने के लिए गाँव के एक तांत्रिक को बुलाने के लिए तैयार हो गई। जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तब उन्हें बहुत भयानक बदबू आने लगी। वो बदबू ऐसी थी जैसे कोई सुअर गटर में डूबकर उनके घर के आंगन में आ गया हो। इसीलिए शकुंतला और निशा को पहले ही लगा कि उनके घर में सुअर ही घुसाया है। वो दोनों उसे घर के बाहर निकालने के लिए जल्दी से आंगन की तरफ गई, लेकिन उन दोनों ने वहाँ पर जो देखा उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि आंगन में कोई सुअर नहीं है बल्कि प्रकाश खड़ा है और वहीं घर के पीछे बनी नाली में डूब कर आया है। वो बदबू उसी के शरीर से आ रही है। शकुंतला ने उसे जल्दी से नहाने के लिए कहा और उसे यह भी बताया कि उसके शरीर से कितनी ज़्यादा बदबू आ रही है। वो समझ रही थी कि प्रकाश गलती से नाली में गिर गया होगा। उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो खुद नाली में गया था। वो नाली प्रकाश ने ही गंदा पानी निकालने के लिए बनाई थी। तू नाली में कैसे जा गिरा? जल्दी से नहा कर आ, तेरे शरीर से कितनी बदबू आ रही है, शकुंतला ने नाक पे हाथ लगाकर कहा। शकुंतला की बात सुनकर प्रकाश गुस्सा हो गया और गुस्से में बोला, कैसी बदबू? कोई बदबू नहीं आ रही, मैं बिल्कुल साफ हूँ, मैं नहाने नहीं जाऊँगा। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो इतनी तेज़ आवाज़ में बोला था कि शकुंतला और निशा बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने उसे उस दिन से पहले कभी इतनी तेज़ आवाज़ में बात करते नहीं सुना था और ना ही किसी पर इस तरह चिल्लाते हुए सुना था। वो दोनों इस तरह की बात समझने की कोशिश कर रहे थे कि उसे क्या हुआ है। तभी उसने उनसे खाना मांगा। अभी तो खाना बना नहीं, बनाना पड़ेगा, फिर देती हूँ, निशा बोली। निशा की बात से प्रकाश और ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में बोला, मुझे अभी खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। प्रकाश का इतना कहना था कि निशा दौड़कर रसोई में गई और रात की बची हुई बासी रोटी थाली में परोस कर ले आई। जब निशा रसोई में थी तब शकुंतला प्रकाश को समझाने की कोशिश कर रही थी कि इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते। जब वो उसे समझा रही थी तब वो उसे किसी और नाम से बुला रही थी। निशा किचन में थी इसलिए वो नहीं सुन पाई कि वो उसे किस नाम से बुला रही थी। जैसे ही निशा किचन से बाहर निकली वैसे शकुंतला एकदम चुप हो गई। निशा उस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई और परेशान थी, इसलिए उसने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने खाने की थाली लाकर आंगन में ही एक चटाई बिछाकर रख दी और प्रकाश को खाने को कहा। प्रकाश बासी रोटी देखकर और भड़क गया और खाने की थाली को लात मार दी, जिसके बाद निशा बिना समय बर्बाद किए घर के मंदिर में गई और वहाँ से लोटा ले आई। वो वही लोटा था जिसमें वो पानी लेकर भगवती देवी के मंदिर जाती थी। उसमें थोड़ा पानी बचा हुआ था जिसे उसने प्रकाश के ऊपर छिड़क दिया। प्रकाश के शरीर में पानी पड़ते ही वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके बेहोश होने से पहले निशा ने देखा कि एक आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। वो वही आत्मा थी
जिसे उसने खेत में भी उसके शरीर में जाते हुए देखा था। निशा ने वो बात अपनी सास शकुंतला को बताई। अगर शकुंतला ने ये सब अपनी आंखों से न देखा होता तो शायद उसे निशा की बातों पर भरोसा न होता, लेकिन उसने प्रकाश की हरकतें को अपनी आंखों से देखा था, वो उसे निशा की बातों पर भरोसा करना ही पड़ा। निशा ने सिर्फ उस आत्मा के बारे में बताया, बल्कि उसने उसका पूरा होलिया भी शकुंतला को बता दिया। जैसे ही उसने बड़ी सी लाल पगड़ी और सफ़ेद धोती कुर्ता पहना हुआ है ऐसा कहा, उसके साथ निशा ने खेत में जितनी भी आत्माओं को देखा था उनका भी होलिया बता दिया। जैसे ही निशा ने शकुंतला को उस आत्मा का होलिया बताया जिसने अभी भी प्रकाश को वश में किया हुआ था, वैसे ही शकुंतला सिर पकड़कर बैठ गई और बोली, हाय अब मैं क्या करूँ, मेरे ही बेटे के साथ ये सब होना था, उनके कर्मों की सजा अब मेरे बेटे को भुगतनी पड़ेगी। इस तरह की बातें सुनकर निशा को लगने लगा जैसे वो जानती है कि वो किसकी आत्मा है और ये भी जानती है कि वो उसे परेशान क्यों कर रही है। निशा ने उसे पूछा भी वो ऐसी बातें क्यों कर रही है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, बस सिर पकड़कर बैठी रोती रही। कुछ देर बाद प्रकाश को भी होश आ चुका था। खुद को किचन में लतपत देखकर वो नहीं समझ पा रहा था कि वो इतना गंदा कैसे हुआ, क्योंकि वो तो ब्रश कर रहा था और उसने रात में क्या किया उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो आत्मा कौन थी जिसने प्रकाश को अपने वश में किया हुआ था, और क्या शकुंतला उसके बारे में जानती थी? और बद्री की आत्मा सिर्फ निशा को ही सपने में क्यों दिखती थी, वो किसी और को क्यों नहीं दिखती थी? और वो खेत में चबूतरा बनवाने की बात क्यों कहती थी? ये जानेंगे आप ब्रह्म राक्षस के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलती हूँ आप सभी से इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।